निवाड़ी जिले के पृथ्वीपुर के पास सिद्धपुरा गांव में 3 साल का बच्चा प्रहलाद बोरवेल में फंसा हुआ है, जिसके लिए शासन प्रशासन आर्मी की बचाव प्रक्रिया जारी है। बोरवेल के पास खुदाई जारी है, जिसमें बड़ी बड़ी मशीनें बाहर से मंगवाई गई। पुलिस सब सेना की भी मदद ले रही है। पृथ्वीपुर के सिद्धपुरा गांव में 20 घंटों से प्रहलाद को बचाने की कोशिश लगातार जारी है। बोरिंग के सामने अभी 40 फीट के करीब गड्ढा खोद लिया गया, अभी भी तकरीबन 15 फीट का गड्ढा खोदा जाना बाकी है। सूत्रों के मुताबिक बच्चे की स्थिति जस्ट की टस बनी हुई है। वहीं आर्मी, NDRF, लखनऊ पुलिस और प्रशासन की टीम मौके पर मौजूद। आम जनता का जमावड़ा देखने के लिए बढ़ रहा है, उसी के चलते जिला प्रशासन ने धारा 144 लागू कर दी। राजधानी समाचार के लिए प्रतिपुर से दिनेश जहां की रिपोर्ट। फिर है और रेस्क्यू ऑपरेशन जैसा कि आप देख ही रहे हैं लगातार चल रहा है। अगले 3 से 4 घंटे में होपफुली हम बच्चे को रेस्क्यू कर लेंगे। तो अभी मैम कितने फुट गड्ढे हो चुके हैं और इसके बाद क्या प्रक्रिया रहेगी? 40 फुट तक खुदाई हो चुकी है और इसके बाद NDRF के जो एक्सपर्ट हैं वो इसको पूरा लीड कर रहे हैं और उन्हीं के निर्देशन में खुदाई का कार्य चलेगा। कितनी खुदाई और से? करीब 20 फीट और 60 फीट पे बच्चा है, 40 फीट तक खुदाई हो चुकी है। कितने घंटों से प्रहलाद की हालत स्थिर है? अभी तो काफ़ी समय से स्टेबल पोजीशन में ही है बच्चा। लगातार खुदाई चल रही है, इवन अभी की बात करें प्रॉब्लम की तो परेशानी ऐसी कहाँ आ रही है कि समय काफ़ी ज़्यादा लग जाएगा, 18 घंटे से ज़्यादा का समय हो चुका है। जी, जितने रिसोर्सेस हैं द बेस्ट रिसोर्सेस से हम काम कर रहे हैं, लेकिन चूँकि बच्चा गहराई पे है इसलिए जैसे जैसे गहराई बढ़ती जाती है, डेंसिटी जो है मिट्टी की वो बढ़ती जाती है, तो फिर खुदाई में परेशानी आती है। बच्चे का क्या मूवमेंट है इस समय? बच्चे मूवमेंट किस तरह से कर रहा है? कुछ भी रिपोर्ट से अभी तक कोई बता नहीं रहा है, तो क्या मूवमेंट क्या है बच्चे का? बच्चे की हालत स्टेबल है हाल फिलहाल। सर बताएं क्या बच्चे की जो एक्टिविटीज़ है अब क्या स्थिति है और क्या कुछ खाने के लिए अब भेजा गया है? कल सुबह से हम लोग लगातार ऑक्सीजन दे रहे हैं क्योंकि बच्चे का कल मूवमेंट था, उसके बाद शाम को जब दोबारा से देखा तो मूवमेंट नहीं हो रहा है कुछ, हो सकता है वो अनकॉन्शियस हो गया हो, जिसके कारण खाने को तो नहीं दिया जा सकता है। क्या संसाधन अब तक उस तक पहुँचाया गया स्वास्थ्य अमले के द्वारा? स्वास्थ्य अमले द्वारा उनको ऑक्सीजन पहुँचाई गई है और तो कुछ देना संभव नहीं है इस समय। क्या बच्चे की धड़कन सुनाई दे रही है, क्या कोई उसकी आवाज़ सुनाई दी गई है? कैसे उस मतलब बच्चे की जो वास्तविक स्थिति है वो कैसे जानकारी कर रही है? उसको वीडियो कैमरा अंदर डाला हुआ है, उससे बाहर लैपटॉप पर देख रहे हैं, तो एक्टिविटीज तो कुछ है नहीं, हो सकता है कि वो अनकॉन्शियस हो गया हो, बाकी सब ईश्वर के हाथ में है, अब देखते हैं निकलने के बाद ही बस स्थिति का पता चलेगा। सिर्फ ऑक्सीजन ही दी जा रही है? ऑक्सीजन दी जा रही है और कुछ दे नहीं सकते हैं, उन्हीं उसी तक ऑक्सीजन पहुंचाई गई है लंबे पाइप द्वारा, 2 सिलेंडर लगे हुए हैं हमारे, दो सिलेंडरों से लगातार पहुंचाई गई है। कितने घंटे का समय लगभग और लगने की संभावना? अभी जिस हिसाब से खुदाई चल रही है उस हिसाब से 3-4 घंटे तो मिनिमम मान के चल रही है। Never miss an update.